Now come to this question. Question number 8 is of differential equation. Statement of this question is, a certain curve is such that its gradient at point xy, this is general point xy, is proportional to y over x into x under root. The curve passes through the points with coordinates 1, 1. The second point is 4e. E एक स्पेसिफिक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू जो होती है 2.718 होती है. इस E की वैल्यू 2.718 होती है. तो सो ग्रेडियंट एट द पॉइंट एक्स वाई इज प्रोपोर्शनल टू दिस. तो सो वी विल राइट, हमने फाइंड किया करना बाय सेटिंग अप एंड सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व एक्सप्रेसिंग वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स. तो फर्स्ट वी विल राइट दैट ग्रेडियंट एक्सप्रेशन जो है, ग्रेडियंट डी वाई ओवर डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू, नॉट इक्वल टू बट प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल की साइन है, वाई ओवर एक्स इंटू एक्स अंडर रूट. नो वी विल रिमूव दिस प्रोपोर्शनल साइन, हम यहां पे इज इक्वल टू के साथ के लगा देंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स विल बी के इंटू वाई ओवर एक्स इंटू एक्स अंडर रूट. नो वी विल सेपरेट द वेरिएबल्स. हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल वाई और एक्स है, वाई एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल. तो हम डी वाई के साथ सेपरेटिंग द वेरिएबल मीन डी वाई के साथ हम वाई टर्म्स को अटैच करेंगे और डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म्स को अटैच करेंगे. तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी कैन राइट इट एज डी वाई ओवर वाई इज इक्वल टू के ओवर एक्स इंटू एक्स अंडर रूट और यहां पे डी एक्स चला जाएगा. तो हमने सेपरेट कर दिया, ये देखें वाई लेफ्ट पे है और एक्स वाली टर्म राइट पे है. तो नो सेकंड स्टेप इज वी विल इंटीग्रेट ईच साइड विद द करस्पॉन्डिंग वेरिएबल. लेफ्ट साइड को विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है, राइट साइड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है. सो इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको ले लेते हैं, ये देखें एक्स पावर वन है, यहां पे एक्स की पावर वन ओवर टू है. तो वन प्लस वन ओवर टू दैट बिकम्स थ्री ओवर टू. हम इसको पावर फॉर्म में देख सकते हैं, एक्स की पावर थ्री ओवर टू, बट हमने इंटीग्रेट करना है तो उसको न्यूमिरेटर में ले जाएंगे. लेफ्ट साइड विल बिकम वन ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू के, वी विल टेक द के आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन एंड दिस बिकम एक्स पावर थ्री ओवर टू न्यूमिरेटर में ले जाएंगे तो पावर साइन चेंज हो जाएगा. This becomes x power negative 3 over 2 with respect to x. Now we integrate each side. यहां पे log use होगा, log y इसकी integration हो गई है, k remains same. इसको integrate करने के लिए power में 1 add करेंगे, that becomes minus 1 over 2 और denominator में भी minus 1 over 2 लिखेंगे. यहां plus c आपने लिखना है, c is the constant of integration. अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, इस टू को ऊपर ले जाते हैं, माइनस के साइन को यहां बाहर एडजस्ट करते हैं. तो दिस बिकम्स लॉग वाई इज इक्वल टू माइनस टू के, माइनस टू के एक्स पावर नेगेटिव वन ओवर टू डिनोमिनेटर में ले आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगी. एक्स की पावर वन ओवर टू को हम लिख सकते हैं एक्स अंडर रूट प्लस सी. अब ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व आ गई है. से दिस इज इक्वेशन नंबर वन. ये इक्वेशन नंबर वन, क्योंकि फॉर रेफरेंस हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व. बट अब हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड सी. सी इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और ये के भी एक कॉन्स्टेंट है. हम इन दोनों को हमने फाइंड करना और दोबारा इधर पुट कर देंगे. तो हमने इसीलिए ये दो पॉइंट दिए हुए हैं. दिस इज द इक्वेशन, एक्चुअली दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व. ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया.
और इक्वेशन ऑफ कर्व आ गई है, बट अब हमने ये कर्व, ये दिस कर्व पासेस थ्रू दीज टू पॉइंट, तो कर्व पासेस थ्रू दीज टू पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट्स को कर्व की इक्वेशन में सेपरेटली पुट करेंगे तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड के। फर्स्ट पॉइंट इज 1 1 1 x 1 और y भी 1 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में, तो दिस बिकम्स log 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 के ओवर x अंडर रूट x 1 है, तो वो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं प्लस सी, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो सो दिस बिकम 0, 0 इज इक्वल टू माइनस 2 के प्लस सी, लेट दिस इज इक्वेशन, इसको भी हम नाम देते हैं इसका, रख लेते हैं ए, सो दिस इज इक्वेशन ए, एंड नो सेकेंड पॉइंट है 4 इज दैट दैट राइज ऑन द कर्व, अब इसी कर्व में हम ये पॉइंट पुट करेंगे तो दिस बिकम्स log e इज इक्वल टू -2 के ओवर -2 के ओवर 4 अंडर रूट इज 2 प्लस सी, तो ये कैंसल आउट हो जाता है, log e जो होता है ये होता है 1, तो सो फाइनली दिस इक्वेशन विल बिकम 1 इज इक्वल टू माइनस के प्लस सी, लेट दिस इज इक्वेशन बी। Now we will solve these two equations A and B simultaneously. We can get the value of A and C and K. तो अब हम ये equation B है, इसमें ये हम इस तरह कर लेते हैं, equation number 1 और 2 को हम solve कर रहे हैं, equation number A from equation A and B. Equation A is 0 is equal to minus 2k plus C. Equation B is 1 is equal to minus k plus C. Subtracting. हम subtract करेंगे और sign change कर देंगे नीचे वाली terms के, तो ये cancel out. We get माइनस वन इज इक्वल टू माइनस के, दिस शोज दैट के इज इक्वल टू 1, हमने के फाइंड कर लिया है, अब हम फाइंड करेंगे सी, तो के की वैल्यू किसी इक्वेशन में ए या बी में पुट करेंगे तो हमारे पास सी भी आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन बी में हम पुट करेंगे, इक्वेशन बी जो है वो है 1 इज इक्वल टू माइनस के प्लस सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के हेयर, दिस बिकम्स 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी, फ्रॉम हेयर सी इज इक्वल टू 2, तो ये सी की वैल्यू आ गई है और ये हमारे पास के है और ये सी है, अब हम के और सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, विच इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, log y इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर x अंडर रूट प्लस 2, c और k की वैल्यूज हमने पुट कर दी, अब हमने y को सब्जेक्ट बनाना है बिकॉज इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व एक्सप्रेसिंग y इन टर्म्स ऑफ x, इट इज गिवन, तो सो यहां से log को रिमूव करना है, एंटी log प्रोसेस, ये यहां बेस e होती है, बेस e के पावर ये हो जाएगी इज इक्वल टू y, तो सो y विल बी इक्वल टू e पावर नेगेटिव 2 ओवर x अंडर रूट प्लस c प्लस 2 प्लस 2, तो दिस इज द final answer. Now next part of this question is describe what happens to y as
एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी आ गया है, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। व्हेन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि व्हेन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी तो देन वन ओवर इन्फिनिटी टेंड्स टू जीरो, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। अब हमने व्हाट हैपन्स टू वाई, अब हम रिलेशन ये अभी शो किया है, ये इस रिलेशन को यहां लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू e पावर नेगेटिव टू ओवर x अंडर रूट प्लस टू। अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो अब हम इन प्लेस ऑफ एक्स अगर हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये समथिंग ओवर इन्फिनिटी दिस बिकम जीरो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, तो दिस बिकम्स वाई इज इक्वल टू ई पावर नेगेटिव टू ओवर इन्फिनिटी प्लस टू, तो दिस फैक्टर बिकम्स जीरो क्योंकि समथिंग ओवर जीरो समथिंग ओवर इन्फिनिटी टेंड्स टू जीरो, so this becomes y is equal to e power 0 plus 2, finally y is equal to e square, so y is equal to e square आ जाएगा, y approaches to e square, this means that y approaches to e square, it shows that y approaches to e square.